नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सा स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का कल आखिरी वनडे मुकाबला और डिसाइडर वनडे मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेला जाना है। उससे पहले टीम इंडिया में बड़े बदलाव की गुंजाइश भी है और जो चौथा मुकाबला खेला गया जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी मिसिंग थे, उनको दो वनडे मैचों का आराम दिया गया, इस पर बवाल मच गया। जी हाँ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चौथा वनडे मुकाबला नहीं खेल रहे थे, पांचवा भी नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत को उनकी जगह पे मौका दिया गया है और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से मिस फील्डिंग की, विकेट कीपिंग सही ढंग से नहीं कर पाए, दो दो स्टंप्स मिसिंग किए, सही से कर नहीं पाए, कैच भी छोड़े वहाँ पर, उसके बाद सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोलिंग भी हुई और उनके जो अभी तक का उनका करियर है उस पर भी सवाल उठ गए, क्योंकि सिर्फ चार वनडे मुकाबले खेले हैं तो एक्सपीरियंस की जाहिर सी बात है यहाँ पे कमी है। महेंद्र सिंह धोनी के बदले में हम उनको नहीं देख सकते। लगातार ये बातें होती रहती हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे तब ऋषभ पंत को उनकी जगह पर खेलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये कितना सही होगा कि एक युवा खिलाड़ी जो सिर्फ अभी 21 साल का है उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वर्ल्ड कप में ले जाने की बात की जा रही है ऋषभ पंत को, लेकिन ऋषभ पंत उस हिसाब से अभी तक विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे। भले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के दौरान बेहतरीन विकेट कीपिंग जरूर की थी, लेकिन कल जो वनडे मुकाबला खेला गया और वहाँ पर जिस तरीके की उन्होंने विकेट कीपिंग की तो सवाल उठना लाजमी हो गया। विराट कोहली जो कप्तान है उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि मिस फील्डिंग भी हुई और साथ में विकेट के पीछे भी थोड़ी कमियां दिखी। शिखर धवन ने भी ईश्वर इशारा किया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने हैरानी जताई है सबसे पहले तो इस बात पर कि महेंद्र सिंह धोनी को छुट्टी क्यों दी गई, दो मैचों से उनको बाहर क्यों रखा गया। लगातार महेंद्र सिंह धोनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने वर्कलोड के बारे में भी बात किया कि वर्कलोड ज़्यादा है ये कह के महेंद्र सिंह धोनी को रेस्ट दिया गया था यहाँ पे, और ये कहा गया था कि वर्ल्ड कप आने वाला है उससे पहले IPL खेला जाएगा और IPL पे उनका ज़्यादा फोकस था कि यहाँ पे वर्ल्ड कप से ठीक पहले IPL टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, ऐसा मानना है विशन सिंह बेदी का। और यही बात उन्होंने कही और कहा कि ऋषभ पंत को जो जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है वो अभी इस काबिल नहीं है और टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और आपको याद हो, अगर आप वो मैच देख रहे होंगे तो जिस तरीके से ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे गलतियां की, कैच छोड़े, स्टंपिंग्स मिसिंग की, एस्टन टर्नर जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, मैच जिता दिया, उनको भी स्टंप करने के दो दो मौके थे लेकिन वो मौके को भुना नहीं पाए ऋषभ पंत, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं सिर्फ ऋषभ पंत के बारे में ही बिशन सिंह ने बात नहीं किया, उन्होंने कप्तान विराट कोहली के बारे में भी कहा, उनकी कप्तानी पर भी बात की और कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी होते हैं ग्राउंड पे तो खिलाड़ी शांत स्वभाव से वहाँ पे खेलते हैं, एक मनोबल बढ़ता है उनका, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी मिसिंग होते हैं तो विराट कोहली इतने सक्षम नहीं है कि वो खिलाड़ियों को संभाल सके, उस तरीके से मोटिवेट कर सके जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी करता है। महेंद्र सिंह धोनी ही भले ही भारतीय टीम के कप्तान नहीं हैं लेकिन वो लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, वो जानते हैं कि फील्डिंग कहाँ पे लगानी है, कौन से खिलाड़ी से कब कौन सा काम करवाना है, गेंदबाजों को भी वो सलाह देते हैं। कई बार हमने देखा है खासतौर पर स्पिनर्स को वो बताते हैं कि किस तरीके से गेंद फेंको और वहाँ पर सफलताएँ भी मिलती है, और ये कोशिश ऋषभ पंत भी कर रहे थे, कुलदीप यादव को वो भी सलाह दे रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत खुद के काम पे ज़्यादा फोकस नहीं थे, गेंदबाजों को अलग सलाह दे रहे थे। इस पर भी वो ट्रोल हो गए कि अपना काम तो कर लो, ऐसा कुछ व्यूवर्स ने कहा, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। और जो विराट कोहली की कप्तानी को लेके बात कही बिशन सिंह बेदी ने, वो सबसे सोचने वाली बात है कि विराट कोहली की कप्तानी किस शैली की है, और महेंद्र सिंह धोनी ना हो तब विराट कोहली क्या आगे ऐसी कप्तानी करेंगे, बिना महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय टीम में की कप्तानी इतनी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी होते हैं तो विराट कोहली हर बार उनसे सलाह मशवरा करते हैं, रोहित शर्मा भले ही उप कप्तान हो लेकिन एक कप्तान की भूमिका के तौर पे रोहित शर्मा से पहले वो महेंद्र सिंह धोनी से पूछते हैं, बाद में रोहित शर्मा से पूछते हैं।
तो महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के सबसे मजबूत कड़ी तो हैं ही, लेकिन बिशन सिंह बेदी ने ये बात भी कही कि अब महेंद्र सिंह धोनी युवा नहीं होंगे, वो धीरे धीरे बूढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप टीम को किस तरफ ले जा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भले ही वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी आपके साथ होंगे, विकेट के पीछे वही होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद क्या करोगे आप जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि विराट कोहली किस तरीके से अपनी कप्तानी दिखाएंगे। विराट कोहली के पास कप्तानी दिखाने का कल एक सुनहरा मौका है, जो आखिरी वनडे मुकाबला इस सीरीज का खेला जाएगा, जो डिसाइडर मैच है, क्योंकि भारतीय टीम ने शुरुआत में 2 मैच जीते और उसके बाद लगातार 2 मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता। तो कल का जो मैच जीतेगा वो इस सीरीज पर कब्जा कर लेगा, और विराट कोहली यहाँ पे चाहेंगे कि वर्ल्ड कप से इन पहले वो इस सीरीज को ना गंवाएं और भारतीय टीम ये सीरीज जीते। तो देखना होगा कि यहाँ पे विराट कोहली किस तरीके से कप्तानी करते हैं और क्या टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में ये मैच जिता पाते हैं कि नहीं। और बिशन सिंह बेदी ने जो सवाल उठाए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के बदले में कौन, ये सोचने वाली बात है। तो टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है ये देखना होगा। विराट कोहली की कप्तानी में कितनी सुधार होती है महेंद्र सिंह धोनी के ना रहने के बाद, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।